हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं एक चिली रेसिपी लेके आई हूँ। ये एक स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी है। इसमें बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत है और बहुत ही कम समय में ये बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा ये रेसिपी घर पे बना के। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। मैंने यहाँ पे एक चिली बनाने के लिए जो जो चीज़ चाहिए ये सब मैंने ले लिया है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अंडे को बॉईल कर लूँगी। यहाँ पे मैंने 4 अंडे लिए हैं। अंडे बॉईल हो चुके हैं, अभी अंडे को फ्राई करना है। तो इसीलिए कढ़ाई पे मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। तेल गरम हो चुका है तो अंडे को मैंने हाफ करके फ्राई कर रही हूँ। मैं अंडे के साथ थोड़ा सा मैंने सॉल्ट ऐड किया है। कुछ भी रेड चिली पाउडर या फिर हल्दी पाउडर कुछ भी मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। सिर्फ नमक के साथ ही मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। अंडा फ्राई हो चुका है, इसे निकाल देंगे। सेम तेल में अभी मैं जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। इसे फ्राई करने के बाद ये 2 बड़े साइज का अनियन है जिसको मैंने लंबा करके चॉप कर लिया है, इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अनियन फ्राई हो चुके हैं, हल्का पिंकिश एक कलर आ चुका है अनियन में। अभी मैं ये 1 की कैप्सिकम है जिसको मैंने लंबा करके चॉप कर लिया था। आप चाहे तो येलो या फिर रेड बेल पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 चम्मच रेड चिली सॉस, 2 चम्मच ग्रीन चिली सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस। आप सॉस कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं 3 चम्मच टमेटो केचप यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमें मीठा ज़्यादा पसंद है। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप रेड चिली सॉस या ग्रीन चिली सॉस ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि सॉस जल ना जाए इसीलिए। सारे सॉस पक चुके हैं। अभी मैं ये सेज़वान सॉस है, अगर सेज़वान सॉस आपको पसंद नहीं है आप इसे स्किप कर सकते हैं। रेडी है सॉस। अभी मैं यहाँ पे ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ। आपको जितना ग्रेवी चाहिए उतने अकॉर्डिंग आप पानी ऐड कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा बॉयल आ जाने के बाद इसे ढक देंगे। इसीलिए बॉयल आ चुका है, अभी सॉल्ट ऐड करेंगे। ये कॉर्नफ्लावर, ग्रीन चिली और पानी का मिक्सचर है, ये ग्रेवी को थिक करेगा। तो इसीलिए इसे एकदम लास्ट में मैं दे रही हूँ। बस इसे अच्छे से ग्रेवी के साथ मिला के मैं अंडे जो फ्राई किए हुए थे उसे डाल दूँगी। ग्रेवी
ग्रेवी के साथ अंडे को मैं कोट कर रही हूँ। अच्छे से ग्रेवी का जो स्वाद है वो अंडे के अंदर चला जाए। बस रेडी है हमारा एक चिली। आप इसे रोटी के साथ खाइए, ये बहुत ही अच्छा लगता है। और घर पे ज़रूर बनाइए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।